गाइज आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में, जहां एक बड़े यूट्यूबर ने दूसरे यूट्यूबर के लाखों रुपए का स्कैम कर दिया। बेसिकली कल न्यूज बॉय ने अचानक ट्वीट किया कि मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पर एक यूट्यूबर है, उसने एक बार मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे और सिर्फ 1 लाख रुपए रिटर्न किए, और उसने मुझे बताया कि वो मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस कर देगा। लेकिन इंटरेस्ट को एक तरफ छोड़ दो, वो मुझे 9 लाख भी वापस नहीं कर रहा है। इसलिए कल मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सबूत के नाम पर मेरे पास व्हाट्सएप चैट है, अगर मैं उसका नाम लूंगा तो बहुत से लोग उसे पहचान लेंगे। ये न्यूज सुनकर बहुत से यूट्यूबर्स के रिएक्शंस भी आए और सब ने न्यूज बॉय को इस इंसिडेंट पर एक्शन लेने का कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। फ्लाइंग बीस्ट ने रिवील किया कि उन्होंने देश का धोनी प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट की है। ये बात उन्होंने कल अपने व्लॉग में बताई, आप भी सुन लीजिए। देश का धोनी को 1 साल पूरे हो गए, बहुत हमारा बजट भी लग गया। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक डिस्क्लोज नहीं किया, हमारा 65-70 लाख रुपए लग गया देश का धोनी में। मतलब मुझे वो करना था इसलिए मैंने किया, और हर चीजें पैसा कमाने के लिए नहीं होती। बट सही बताऊं तो उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। जैसे कोई अगर बाहर से देखेगा इसको तो बोलेगा कि तो बहुत नुकसान होगा, बिकॉज एड सेंस तो यू हार्डली वी अर्न एनी अमाउंट। बट जो मुझे वैसे जिंदगी में कमाया, मैंने मेरी लाइफ बदल दी। मतलब तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करने जा रहे हैं पूर्व झा के बारे में। तो पूर्व झा की इम्प्रेसिव एक्टिंग को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि वो AI की तरह है, और इस पर उनकी तरफ से रिएक्शन भी आया। रिसेंटली एल्विश वर्सेस मैक्सटन कंट्रोवर्सी वाली वीडियो हार्श बेनीवाल चैनल पर रिलीज हुई, और उसके बाद पुराव झा के चैनल में फूड ब्लॉगर्स के बारे में जो वीडियो आई थी, वहां उनकी एक्टिंग को देखकर लोग कहने लगे कि ये AI से भी बेटर है। तो इस पर रिएक्शन एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने बिहाइंड द सीन्स का व्लॉग अपलोड किया और अपने इंस्टाग्राम पर ये कहा, भाई लोगों ने AI से कंपेयर करना चालू कर दिया है मुझे, भाई वेरी बिग थिंग। ये रहा लिंक, जाओ देखो ये AI बनता कैसे हूं मैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले हैं एक यूट्यूबर की शॉकिंग स्टोरी के बारे में। सो गाइस, एक फीमेल यूट्यूबर है राइडर नोनी के नाम से। उन्होंने रिसेंटली अपने चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया और बताया कि उनके साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। एक व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर उनके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट की कोशिश की और फिर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। एग्जैक्टली क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए। आंटी ये कौन है पता नहीं मेरे रूम पे घुस गया, ये ऊपर से आया है, पूरा दिन मेरा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने में निकल गया, क्योंकि कल रात मेरी जिंदगी का सबसे घटिया एक्सपीरियंस मुझे फेस करना पड़ा, एंड इट वॉज अटेम्प्ट टू रेप। और इतना कुछ हो जाने के बाद भी उस बंदे के शुभचिंतक मेरे घर पहुंच गए कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ, और ये है उस बंदे के फर्स्ट रिएक्शन पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद। ये बंदा सीरियसली हंस रहा था, और आगे क्या कुछ पता। उन्होंने अपने चैनल पर कंप्लीट डिटेल्स की वीडियो भी अपलोड की, जहां उन्होंने बताया कि ये कब कहां और कैसे हुआ। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हुए, हम यूट्यूबर ह्यूमन विद साइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर है ह्यूमन विद साइंस, उनके 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हाल ही में उनसे रिलेटेड ये न्यूज आई कि उनकी डेथ हो गई है। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन पहले उन्होंने अपने चैनल में अपना नॉर्मल लाइव स्ट्रीम किया, लेकिन अब उनसे रिलेटेड ये अनफॉर्चुनेट न्यूज आई है। तो दोस्तों आपके इस सब के बारे में क्या ख्यालात हैं, हमें कॉमेंट्स में बताएं।